हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। क्या मज़े की बात है, इस्लामाबाद में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जो ड्रामाई अंदाज में आज एंट्री हुई राव अनवार की, तो फिल्म के मनाजिर याद आ गए कि जिसमें इसी तरह से डॉन जो हैं वो आते हैं। मैं उस पर ज़्यादा क्या कहूँ, सुबह से आप सुन ही रहे हैं कि एक अनहोनी आज हो गई और उस अनहोनी के होने का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाता है कि जिन्होंने इस तरह के जोरावर ताकतवर मुलजिम को, मफरूर मुलजिम को अपने कटहरे में लाके खड़ा किया। और जाहिर है कि जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से उन्होंने एंट्री डाली, जिसकी मैं बात कर रही थी आपको कि स्याह लिबास और सफ़ेद गाड़ी और फिर सदर दरवाजे से वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पे कोई भी अहम आदमी जो है वो गाड़ी लेके नहीं जा सकता, वहाँ पर पाबंदी है और पैदल मेन दरवाजे से लेके वहां तक। सो राव अनवार की गिरफ्तारी और उनका पेश होना और चेहरे पे मास्क लगा के आना, उनके आगे पीछे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का होना, उन फिर पुलिस का होना और जिस प्रोटोकॉल के साथ उनकी एंट्री हुई है दबंग अंदाज में, ये राव अनवार की ही एंट्री हो सकती है। लेकिन ये सवाल बहुत संजीदा, अनवार किसकी तहवील में थे ये नहीं पता चला, राव अनवार कहाँ थे ये नहीं पता चला, वो किसके पास थे ये नहीं पता चला, वो कहाँ रहे अब तक ये भी नहीं पता चला और क्या पता चल पाएगा ये भी बहुत ही अहम सवाल है। तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, गो के जो पिछली तहकीकाती कमेटी थी उसके जो मुंदरजात थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और सिंध पुलिस के बहुत ही वेल रिप्यूटेड जो अफसर हैं जनाब सनाउल्ला बासी साहब, उनकी रिपोर्ट इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये वाकया हुआ नकीबुल्ला महसूद का, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि दहशतगर्द नहीं था, नकीबुल्ला महसूद एक आज़ाद ख्याल नौजवान था और ये भी कहा कि उनके जो साथी थे उनको पकड़ा गया, उनको बदतरीन उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उनको जिस तरह से उनसे पैसे बटोरे गए और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर कत्ल किए गए, जो चारों अफराद थे उनके खिलाफ भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल सका। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि साथ ही जानबूझकर तहकीकाती कमेटी के रूबरू पेश नहीं हुए थे और राव अनवार की तरफ से अदम तावुन कानून की राह में रुकावट बनने के मुतरादिफ है। यह भी कहा कि इसी सनाउल्ला बासी की रिपोर्ट ने कि राव अनवार ने 2011 से 18 तक 745 पुलिस मुकाबले, आपको यह सुनकर हैरत होगी कि उसमें से सिर्फ 89 जो मुलजिम थे वो गिरफ्तार हुए, 444 जो है वो मारे गए। उन 444 का इल्ज़ाम राव अनवार के ऊपर है, ये इतना ताकतवर मुलजिम है। सो इन सवालात का जवाब कही जाती है, गो के अब इंसाफ मिल रहा है लोगों को इंसाफ, लेकिन क्या एक ही मुल्क एक ही मुआशरे के अंदर ताकतवर के लिए इंसाफ और होगा और जो कमज़ोर है उसके लिए इंसाफ और होगा? सो इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे कि ये इंसाफ किस तरह से मिलेगा और राव अनवार का अब जो आगे उनके साथ होगा उसका क्या वो ट्रांसपेरेंट होगा ये नहीं, हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ये जो सनाउल्ला बासी की रिपोर्ट थी, इसके साथ साथ जो इंसानी हुकूक कमीशन है उसने भी रिपोर्ट दी थी और उसने भी सेकंड किया था सनाउल्ला बासी की रिपोर्ट को और गुजारिशात भी उसके अंदर किए थे जिसमें कि उन्होंने कहा कि इनके FIR नकीबुल्ला महसूद की दर्ज की जाए और जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल की जाए और राव अनवार के तमाम जो मुकाबले उन्होंने यही मुकम्मल तहकीकात की जाए। सो ये होगा कि नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बात कर रहे थे, उनके भी आज उन्होंने भी कहा कि गो के उनका लहजा पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया और बहुत अच्छी बात है, बहुत देर से हुआ है लेकिन बहुत बेहतर हुआ है। उसके पीछे क्या है वो हम दो दिन से आपको बता ही रहे हैं और अभी भी बताएंगे आपको, लेकिन उन्होंने बात कही है कि जो मुनसिफ हैं, जो उनका उनके खिलाफ फैसला हुआ है, कुछ लोग अंदर से भी बोल पड़े हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आज एक और बहुत अहम बात हुई है, वो शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शेख साहब हमेशा बड़े पते की बातें करते हैं और आज जो उन्होंने पते की बातें की हैं जरूर है, जरा सुनिएगा शेख साहब जुडिशल मार्शल लॉ के बारे में क्या कहते हैं।
जी बेशक इस मुल्क में 90 दिन के लिए चीफ जस्टिस साहब जुडिशियल महकमा को पूरे करने के लिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के लिए हो। मैं अपनी सियासी वर्कर की हैसियत से यह समझता हूं कि पाकिस्तान का आने वाले दिनों में सबसे अहम मसला अबूरी हुकूमत और उसकी कैबिनेट, क्योंकि इस्लामाबाद में जो लोग फिर रहे हैं, जो बातें चल रही हैं सूबों में, जो बातें चल रही हैं, और ऑफ कोर्स कौम को एतमाद में लेना जरूरी है। का मेन मसला ये कह रहे हैं कि 31 मई को हम असेंबली तोड़ देंगे। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि सदर की रिटायरमेंट कब शुरू होती है। सदर की रिटायरमेंट से लेके जुडिशियल मार्शल लॉ और मार्शल लॉ के दौरान इलेक्शन अहम बातें हैं। बहरहाल इन सारे मौजूदात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, नौ मुंतखब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बहुत हरदिल अजीज, सभी हैं वैसे तो, लेकिन नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में से हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे इजाजत दीजिए नईमुल हक साहब से जरा आगाज करते हैं। सर ये पहले तो राव अनवार, ये उनकी एंट्री, उनका आना, उनका प्रोटोकॉल, आपके जहन में भी कुछ सवालात ने जन्म लिया होगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें जाना बहुत जरूरी है। आप जानती हैं, माफ कीजिएगा, कि एमक्यूएम ने कराची में एक बड़े पैमाने पर कत्लेआम का आगाज किया था, और ये जो कत्लेआम था इसमें हमने ये देखा कि एमक्यूएम ने बतदरीज पहले पीपल्स पार्टी के साथ, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ, और बाद में मुशर्रफ साहब के साथ अपना एक इत्तेहाद कायम किया, और इनके जितने भी कातिल, एक टोला था कातिलों का, वो या तो पाकिस्तान हुसैन के साथ बाहर चला गया, और जहां भी जो कुछ रह गए थे उनको अल्ताफ हुसैन ने अपने मकासद के लिए, अपने सियाह मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और हमने ये भी देखा कि बेशुमार पुलिस अफसरान जो थे उनको कत्ल कर दिया गया, वो ऐसे अफसरान थे जो किसी मुकदमे की तफ्तीश कर रहे थे। तो ये है पस मंजर इसका। और जब पुलिस अफसरान को कत्ल करने का सिलसिला एमक्यूएम ने शुरू किया तो पुलिस ने कई मुकाबलों में एमक्यूएम के लोगों को भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा। ये सब हकायक जो है ये सामने हुकूमत भी जानती है, और ये रिवायत जो थी ये इसको ना पीपल्स पार्टी ने तोड़ा, ना पीपल पार्टी ने एक हद तक एमक्यूएम को जब तोड़ पर कामयाबी हुई उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने या मुशर्रफ ने, तो एमक्यूएम को अरबों रुपया देकर उनको सर पर चढ़ा दिया, और ये नतीजा ये हुआ कि हजारों जो कत्ल हुए थे कराची में उनके मुजरिम आज तक खुले फिर रहे हैं। बिल्कुल। इस पर कराची पुलिस जो थी वो अपने मुख्तलिफ, मैं समझता हूँ, जावियों से अगर देखा जाए तो वो अपने फराइज अंजाम करने की कोशिश करती रही, जिसमें बड़े बेगुनाह लोग भी मारे गए, और ये नकीबुल्ला का जो कत्ल था ये भी मैं समझता हूं उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज तक वो जो मकतूल थे हजारों जो कराची में मारे गए एमक्यूएम की वजह से, उनके कातलों को भी सजा नहीं मिली। कितने लोगों को फांसी मिली आप ये मुझे बताएं पिछले 20-30 साल? बिल्कुल नहीं, जबकि हजारों लोग मारे गए। सही बात है, नहीं तो ये मजबूरी सूरत है। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग है वो तो एक्स्ट्रा जुडिशियल ही है। आई मीन अगर आज पेश हो गए हैं और अदालत के सामने, तो ये अल्लाह ना करे कोई इस तरह का हादसा उनके साथ भी हो सकता था, मगर अदालतों का काम यही है कि वो लाएं, देखें कि गलत कौन है सही कौन है। तो जो बात आप कर रहे थे कि चूंकि इन्होंने उस पस मंजर में ये सारा कुछ था और इनको बहुत सी चीज़ें मिल गई, मुस्तफ़ा क्या आप एग्री करते हैं कि आपकी लीडरशिप ने खैर माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा बहादुर बच्चा, वो शायद यही कॉन्टेक्स्ट था जिसमें कि बात कर रहे थे भी नईमुल हक साहब, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर कि राव अनवार के पीछे कौन था और किस तरह से कहाँ वो रखे गए और वो क्यों इस तरह से पेश हुए आज? देखें आपने अपने इंट्रो के अंदर असमा एक बात की कि इस मुल्क में जो कानून है अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है। हमारा जो अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल लीगल सिस्टम है उसको इस वक्त सख्त रिफॉर्म की जरूरत है। अब्बासी साहब भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं, और हम देखते हैं रोज अपनी नजरों के सामने कि इस अदालती निजाम में किसी को इंसाफ नहीं मिलता, और अगर मिलता है इसे मिलता है कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो साइल जो है
उसके बाल सफेद हो जाते हैं। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती क्यों है? इसलिए होती है, एक जो रीजन पेश किया जाता है वो यही पेश किया जाता है कि जी अदालती हमारे मामलात इतनी सुस्त रवि से चलते हैं और एविडेंस का और प्रोसिक्यूशन का जो निजाम है वो इतना हमारा फरसूदा हो चुका है, कह रहे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, बिल्कुल। और जो जोरावर है उसके लिए इंसाफ, आज आपने देखा, मतलब आप सफेद गाड़ी काले कपड़े यू नो और जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है, आप समझते हैं कि मतलब ये तो खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि वो कानून के मुताबिक कायम करें, कोई कानून से बालातर नहीं है। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। राव अनवार, आपने 444 की अभी फिगर बताई कि जो डायरेक्टली पुलिस मुकाबले उनकी जेर निगरानी हुए, तो अगर उनके अंदर से भी कोई शख्स सामने आता है तो उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स और उसके अंदर बिल्कुल इस चीज का, अगर ये इस तरह के केसेस कौन करेगा? आपको याद हो, नहीं, हमारे मुल्क में इदारे हैं, मीडिया इतना वाइब्रेंट मीडिया है कि आप लोगों की जो नजर है उसकी वजह से आप और लोग एस्केप नहीं कर सकते। आपको याद होगा कराची में इसी तरह सरफराज शाह नामी एक नौजवान रेंजर्स का वाकया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मीडिया ने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि उसके ऊपर तमाम अथॉरिटीज जो थी उनको हरकत में आना पड़ा और आज तक वो केस जो है वो एक एग्जाम्पल है और भी बहुत से केसों की तरह कि जिसके अंदर कंक्लूजन की तरफ चीजें पहुंच गई। तो अगर मीडिया अपनी इसके ऊपर नजर रखेगा और जो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई जो, लेकिन जो सवाल हैं वो अभी तक वही के वही हैं। कौन लाया भाई साहब, आपके पास है इसका जवाब? कैसे आए, कहां थे, किसकी तहवील में, इतना एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उनके साथ था, मतलब ये तो पूछना पड़ेगा ना, ये जवाब तो चाहिए ना इसका। अल्लाह रहमान की बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे तो इस तरह लग रहा है कि अगर नकीबुल्ला मसूद की फैमिली और उसका कजन वो ट्राइबल एरिया से वो जवान खुद ना निकलते और फिर मीडिया इस बात को ना उठा लेता, तंजीमें ना उठाती, तो रियाव अनवार आज भी वहाँ ही अपना काम कर रहा होता, उसी तरह जो पहले भी उसके कारनामे, शायद उसी तरह वो अपने कारनामे जारी करता। एक तो ये बिल्कुल ठीक कहा है कुकर साहब ने कि इसमें निज़ाम में काफी, लेकिन इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन ये बिल्कुल किसी तौर पर नहीं दी जा सकती कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग शुरू कर दे। और किसी ऑफिसर के पास तो ये लाइसेंस होना ही नहीं चाहिए कि वो जिसे चाहे मार दे, उसमें तो फिर किसी को भी वो मारा जा सकता है। ये तो अगर कोई हुकूमत इसके पीछे करवाती है, कोई लीडर इसके पीछे करता है, कोई अफसर इसको करवाता है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोई पाकिस्तान के कानून और आईन में गुंजाइश नहीं और उसको सख्त हाथों से लेना चाहिए था और बहुत पहले से लेना चाहिए था। ऐसे वाकयात होते रहे, इसमें कोई शक नहीं। आज का जो वाकया है इसने बहुत ज्यादा आंखें खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट में हम भी जाए, मैं वकील भी हूँ और मैं हुकूमत पोजिशन में भी रखने के बावजूद हमारे में कोई आदमी बाहर के दरवाजे से और आप भी लोग जाते रहे। जी जी जी। इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए भी आप शायद वो दरवाजा नहीं खोला जाता, एक जमाने में शायद हम भी जाकर उतर सकते थे। अब वो आदमी जिसके खिलाफ क्रिमिनल था, अभी क्राइम उसके जो बाजार उसके लिए उसके लिए अगर मेन दरवाजा खुलता है वो जाके उतरता है, जिस शान से वो अंदर जाता है, जो स्क्वाड की गाड़ियां उसके साथ थी, जो वो प्रिंसेस तो हुकूमत के पास, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रिंसेस है, वो तो कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं खुलवा सकता। मेरा नहीं ख्याल गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया उनको, अभी तो उनको अभी जब भेजा गया गिरफ्तार करके कहां ले जाया। इससे बात अब आगे ले जाते, अगर इस आदमी को इसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, मैं यहां बैठ के ये राय करना काम किए या नहीं किए, अब तो चूंकि पकड़ा गया तो उसकी फेयर ट्रायल, और इसको भी फेयर ट्रायल का हक है, दुरुस्त बात है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हम पीछे बैठे मैं लोगों को अक्यूज करूं कि इसने इस इसने के लिए काम किया, मेरे पास कोई देखो ना, मैं सही आखिरी जी जी मैं वो ये जरूर करूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये केस सो मोटो लिया हुआ है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। आज तो आज भी पूछते उससे कि तुम बताओ पहले कोर्ट में यहाँ से जाने, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं कि उन्होंने उनको बुला लिया, कल तक कल शाम तक सुप्रीम कोर्ट बैठी रही है इस मामले के ऊपर कि वो कहाँ है और आइडेंटिफाई क्या। आप इसको बताएं कि आप ये बात तो अदालतों की, हम सब की जिम्मेदारी है और ये बहुत अच्छी बात है कि अदालत ने ये काम किया है, लेकिन अदालतों को, ये आप अदालत को डिटरमिन करेगा कि ये राह किसके पास है, ये था कहाँ, ये
जंदर किस तरह आया इस शान के साथ? बिल्कुल, क्या अगर यही शान रहेगी तो कल इसकी तफ्तीश हो सकती है? अच्छा, और अगर ये तफ्तीश सही ना हुई, पीछा ना लगा कि इसके पीछे कौन कौन से लोग थे, फिर पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए कोई प्रेसिडेंस कायम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तक लोग यही कहेंगे कि ताकतवर के लिए और कानून, बिल्कुल, और कमजोर के लिए। अच्छा, आपने देखा होगा निहाल हाशमी जाहिर है तौहीन अदालत थी और कोई भी उनकी बात को वो उनके साथ सहमत नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो सही था, लेकिन निहाल हाशमी जब गए, अगर हमारे पास फिर उनको हथकड़ियां लगा के पुलिस लेके जाए और यहाँ पुलिस मिन्नतें कर रही है कि अच्छा पकड़ाएं, आप हमें पकड़ाई दें और हम आपको लेके लेके जाते हैं, और वो कह रहे हैं नहीं 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 बिल्कुल मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। वैसे तो अगर इसको मैं ये ना पता होता कि सुप्रीम कोर्ट में है, अगर साहब मुझे ये भेज देता तो मैं ये समझता कि किसी में फिल्म कोई देख रहा हूँ कि किसी फिल्म का सीन है, जिस तरह वो होता है तो यही है और क्या है, फिल्म ही थी। लेकिन माजरत से अगर अब्बासी साहब नहीं साहब है मेरे साथ, हाँ तो देखिए तो वो भी यहाँ से किसी जहाज में गए, मुल्क से बाहर गए और कहने को कहा जाता है जो गलत है वो गलत, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मुझे सर सेनेट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, सेनेट में भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब डार साहब गए तो उसका इजाजत थी, वहां जब पहुंचे उस वक्त तक यहाँ। अच्छा, वैसे नईम साहब एक और शख्स भी है जिसका नाम है परवेज मुशर्रफ, लेकिन मैं कब तो ये ठीक है, लेकिन राव अनवर का केस जो है ये बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं दे सकता हूँ कि सियासी मामलात में और इन केसेस में बड़ा बड़ा फर्क है। जी जी, कल का कोई पता नहीं है जी। नईम साहब जी, अस्मा देखें, ये राव अनवर का सदर दरवाजे से अंदर घुसना ये कोई मेरी राय में कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। हकीकत तो यह है कि अब देखना यह है कि राव अनवर के खिलाफ जो इल्जामात हैं उनकी तफ्तीश, उनकी अदालती कार्रवाई, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गहरी निगाह इस पर है, पूरी कौम की निगाह इस पर है, वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। ये कि अभी तक मॉडल टाउन के जो 13-14 लोग जो पुलिस ने वहां पर शहीद किए थे, उनके मुतालिक भी अभी तक पूरी कौम जो है वो बेचैन है, बेताब है, उसके लिए भी बिल्कुल सही बात है, बेचैन है बेताब। तो सिर्फ राव अनवर ही नहीं, पाकिस्तान में, और मेरे मरहूम वालिद भी पंजाब पुलिस में के मुलाजिम थे, मुझे पुलिस के कल्चर का एक अच्छा अंदाज़ा है, बचपन ही से मैंने देखा है। पंजाब की पुलिस या पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है, उसकी जो ट्रेनिंग होती है, उसकी जो इकदार होती हैं, उसकी जो वैल्यूज होती हैं जी, वो हैं बिल्कुल। और जो पुलिस जिस तरीके से गरीब लोगों पर जेल में तशद्दुद करती है, वो तो रिफॉर्म की बात होती है, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेना है, आप सही बात करें, रिफॉर्म्स के लिए तो हर भी सानिया होता है, हादसा होता है, उसके बाद ये कहते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन फिर इदारे ही भूल जाते हैं, पार्लियामेंट ही भूल जाती है, फिर कोई कानून नहीं बनता। ब्रेक के बाद हम जरूर बात करेंगे जो शेख रशीद साहब ने फरमा दिया उसके ऊपर भी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हम नकीबुल्ला महसूद के मामले को जो वाइंड अप कर रहे हैं, इसमें ज़रूर ये बात वाजे होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजबूर किया कि इतने जोरावर जो मुलजिम था उसको पेश किया जाए। जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि दरवाज़ा खोला गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खोला, वो खुद आए हैं गाड़ी लेके। इस पर क्या, अभी अब्बासी साहब भी बात कर रहे थे, मैं नईमुल हक साहब के पास जाती हूँ। नईम साहब देखिए, जो भी इस वक्त कोर्ट्स के मामला चल रहे हैं, कोर्ट्स इसके ऊपर लोगों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो अगर इस तरह के कोर्ट्स के अंदर मामला आएंगे और इस तरह के मुलजिम पेश किए जाएंगे, तो फिर मुझे बताइए इदारों की क्या जिम्मेदारी है? अगर यह पहले हो जाता तो बेहतर नहीं था? देखें, सबसे पहले तो अगर आप समझती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो सदर दरवाज़ा है, ये चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर खोला गया, तो ये गलत फहमी है। चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर वो दरवाजा नहीं खोला जा सकता। वो सदर दरवाजे से नहीं आए हैं, वो आए हैं जो गाड़ी लाई गई है उसके ऊपर। जी जी, जो गाड़ी भी लाई गई है उसके लिए भी जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो या तो रजिस्ट्रार की या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाजत लेनी जरूरी होती है, मगर मैं इसको इतना ज्यादा अहम नहीं समझता। अहम बात यह है आसमा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कत्ल जो कराची में हुआ था, एक बेगुनाह शख्स को मारा गया था और वो पुलिस की निगरानी में हुआ था, वो क्योंकि कौमी सानहा बन गया और पूरी कौम की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया
वरना जैसे कि मैंने पहले कहा था, पाकिस्तान में ऐसे वाकयात तो बेशुमार होते रहते हैं, हर वक्त होते रहते हैं। हजारों कत्ल ऐसे हैं जिनके मुतालिक कोई तफ्तीश ना बाकायदा तौर पर आगे बढ़ी है, ना किसी नतीजे पे पहुंचा गया है, ना मुजरिमों को सजा हुई है। ये तो, और कराची में खास तौर पर ऐसे वाकयात जैसा कि मैंने पहले कहा बेशुमार हैं, तारीख भरपूर है। पंजाब में भी ऐसे वाकयात आपको हर जगह मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिफॉर्म्स की सर बात होती है, रिफॉर्म्स फिर होती नहीं है। उसके बाद आप सही बात कर रहे थे पहले भी कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और लेकिन अच्छा चले, मगर मगर वाकयात के बजाय मीडिया मीडिया को चाहिए कि वाकयात के बजाय जो असली मसला है उसको एड्रेस किया जाए। क्रेडिट जिस तरह आप कह रही थी सुप्रीम कोर्ट को जाता है, बिल्कुल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया उसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए, सेंसस जैसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सुप्रीीम कोर्ट के कहने पे हुई। जो दादरसी है वो तो दादरसी तो अदालतों का काम है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो बात अभी नईमुल हक साहब कर रहे थे कि आपको याद होगा जैनब बिचारी केस, एग्जैक्टली उसके अंदर ऐसे लोगों को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया जो मुजरिम ही नहीं थे, और बाद में पता चला कि जी कि मुजरिम तो कोई और है। तो हमें अपना निजाम जो है उसके अंदर रिफॉर्म जरूर लेके आनी है, और ये चेक जो है जुडिशियल चेक बहुत जरूरी है। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस और भी हैं, नेशनल कमीशन। अच्छा, जो आपने जुडिशियल चेक की बात की तो शेख रशीद साहब ने जुडिशियल मार्शल लॉ की बात कर दी है। पता नहीं बासी साहब ब्रेक में कहे थे कि नहीं आप उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें, तो भाई साहब संजीदा लेना पड़ता है, क्या करें। तो क्रेडिबिलिटी का फैक्टर तो है, पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत सी बातें की है जो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन बफर्ज महाल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर उनकी इस बात को अहमियत दी भी जाए, और अगर बफर्ज माल ये बात हो भी से, तो बतौर वकील एक यंग लॉयर के मैं तो फिर ये सवाल करूंगा अपने सीनियर से, बासी साहब से मैं सवाल करूंगा और दीगर सीनियर से सवाल करूंगा कि अदलिया की जो आजादी की जो तहरीक थी वो क्या जुडिशियल मार्शल लॉ के लिए थी? यानी कि अगर इस मुल्क में आपने आईन और कानून का मजाक अगर बनाना है तो क्या ये सारी तहरीक और उसके जो गोल्स थे वो इस मकसद के लिए थे? अच्छा, वो ये कहते हैं कि वो जो बिल्कुल सही बात है, उनको ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। देखिए, अभी आज से 6 महीने पहले कॉन्वर्सेशन क्या थी जो हम सारे नैरेटिव को डोमिनेट कर रही थी, सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, फिर सेनेट इलेक्शन हुए, फिर आम इंतखाबात के लिए भी अब तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, और वो भी अपने टाइम पे होंगे। भाई साहब एक कमेंट कर दे, फिर मैं क्विक ब्रेक पे जाऊंगी। मैं तो वैसे सच्ची बात है कि नहीं करना चाह रहा था। मुस्तफ़ा खोखर साहब ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो है वो पोस्ट किया मेरे पे भी, और भी ये बिल्कुल ठीक इन्होंने बात की कि अब अगर इस सतह पे भी आकर आज भी हम लोग माशाल्लाह उसको जुडिशियल माशाल्लाह की बात करें, देखें अगर हवाज पाकिस्तान ने आज डिटर्मिन कर लिया कि इस मुल्क में माशाल्लाह की जरूरत नहीं है, हम निज़ाम चाहते हैं, और वो कहते हैं कि हम इस निज़ाम को सपोर्ट करेंगे, जमहूरी निज़ाम को, निज़ाम को आगे लेके जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर ये दावत कोई आदमी दे रहा है, और फिर आप मीडिया में रात को इस पर टॉक शो कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि फिर हम सब के लिए क्या क्या ये नहीं, अपने लोगों को आज जहाँ पे हजारों या करोड़ों लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ का एक आदमी उठ के ऐसी बात कर ले। एक आदमी नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब आप जो भी कहें लाइक इट और नॉट, ये भी हो सकता है कि शायद उनकी हलका बंदियां को इतनी असरअंदाज हुई हो और शायद उन्हें नजर आ रहा हो कि इलेक्शन जीतना मुश्किल है, तो कोई और राह निकाले। एक मैं आप मुझे मैं बता दूं, अगर आपने सवाल ही पूछ दिया तो इसके लीगल कोई कॉन्स्टिट्यूशन या अगर आज तक दुनिया में कोई जुडिशियल मार्शल लॉ कहीं लगा है दुनिया में? कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा और लगना भी चाहिए। ऐसी बातें हैं जिसमें हम अपनी जुडिशरी को जो है वो डिफेंड करने के लिए हमारी जुडिशरी नहीं है। कई बार चीफ जस्टिस ही कह चुके हैं कि इंतखाब आजाद मुनसिफाना होगा और इंतखाबात होंगे। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, क्विक ब्रेक, उसके बाद में वापस हम आएंगे और फिर बात करेंगे कि कुछ नून लीग का जो बयानिया जिसपे हम बात कर रहे हैं बदला है और कुछ सॉफ्ट टोन उनकी हुई है, बहरहाल अच्छी बात है बहुत इदारों के लिए। अचानक नून लीग के अंदर अदारा जाति महाजराई को खत्म करने के डायलॉग की बात हो रही है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ये नईम साहब के अदारा जाति महाजराई के बारे में बहुत सारे, मसलन पहले ये बात कही शहबाज शरीफ साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए इदारों के दरमियान और उनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मियाँ साहब ने 2-3 बार ये बात कही है, टोन डाउन भी हुए हैं, लेकिन अचानक PMLN क्यों अदारा जाति महाजराई को ख़त्म करने की बात करी? थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है साद रफीक साहब ने। देखें, आप मुझसे पूछा ये सवाल, जी जी आपसे जी बिल्कुल जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने अपनी माजूली के बाद
एक खास हिकमत अमली के तहत उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे जुलूस किए और उन्होंने जिन इदारों पर तनकीद करनी थी और जिस तरह करनी थी मैंने कहा वो की, और उसमें शायद उनकी सोच के मुताबिक उनको काफ़ी कामयाबी भी हासिल हुई। और जैसा कि मुस्लिम लीग के अनासिर कहते हैं कि हमें अवाम की पजीराई भी इस सिलसिले में मिली, मगर क्योंकि जैसा कि वक्त अब करीब आता जा रहा है, एक दो महीने रह गए हैं हुकूमत उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, तो शायद अब इन्होंने सोचा हो कि इसको, और तनकीद भी आ रही थी कि आप पाकिस्तान की अदलिया या पाकिस्तान की अफवाज पर जिस तरीके से आप तनकीद कर रहे हैं वो कौमी मफाद में नहीं है या जमहूरियत के हक़ में नहीं है, तो हो सकता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग की क़यादत में एक सोच की ऐसी तब्दीली आई हो कि उन्होंने सोचा हो कि अब ज़्यादा मस्बत अंदाज में वो अपनी जो हिकमत अमली है उसको आगे बढ़ाएँ, तनकीद जो है कौमी इदारों पर उसको ख़त्म करें या कम करें, और एक जो उनका एक इमेज जो सामने आ चुका है, अच्छा, एक एक बागी का इमेज कि भाई इस निजाम वो उसको खत्म किया जाए, यही बात है या कोई और वजह भी है कि दो तीन दिन से लहजा भी बदला हुआ है, बल्कि सांगला हिल के जलसे से लहजा बदला है जो कि गलत था, इस तरह अदालतों के बारे में बात करना, मुनसिफों के बारे में, अब वो फैसले में बात कर रहे हैं लेकिन मुनसिफों के बारे में बात करना मतलब पहले करते रहे। बयानिया उन्होंने शुरू से जब से पैनामा का केस आया तो उनके पास बयानिया तो इसके अलावा था ही कुछ और नहीं कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई, और उस साजिश के अंदर शरीक इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट भी है और अदलिया उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारे खिलाफ एक बहुत पहले एस्टैब्लिशमेंट फिर अदलिया एग्जैक्टली फिर जजेस को स्पेसिफिकली टारगेट करना, उनके वजरा की जानिब से टारगेट किया जाना, जलसों में टारगेट किया जाना, तो ये एक बयानिया लेकर वो चले तो सही, उस बयानिया के जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये निजाम जो है ये निजाम मेरे खिलाफ पिच्ड है, लेकिन हकीकत इस मामले की बुनियाद जो है वो तो एक इंटरनेशनल स्कैंडल है, इनका बयानिया ना चला ना किसी ने अपोजिशन में शहबाज शरीफ कहते रहे वो बोले भी नहीं, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद इन PMLN, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शहबाज साहब जो है वो अभी जिस दिन मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए उस दिन भी मैं देख रहा था उनकी तकरीर लिखी हुई, उन्होंने तकरीर पढ़ी और इसलिए पढ़ी कि शायद कोई जोश खिताबत में कुछ अल्फाज जो लोगों ने नोटिस किया है कि भाई कहा तो पांच जजों के नाम ले लेके क्यों निकाला क्यों निकाला, और कहा अब जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सॉफ्ट हुआ है, तो इसकी वजह आपको क्या मतलब ये बेहतर है, और फिर अभी डायलॉग की भी बात हो रही है अदालतों के साथ भी बाकी लोगों की, इसकी क्या वजह है? देखिए आसमा, इसको देखने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, हर जलसे में एक ही बात नहीं की जा सकती। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले दिन से एक जरूर, और मुस्लिम लीग ने अपना एक बयानिया दिया और उसमें कहा है कि जो पैनामा केस था वो करप्शन केस था, वो उस पर कोई हमारे खिलाफ जजमेंट नहीं आई है, वो रेफरेंस अभी हमारे खिलाफ चल रहे हैं। हाँ, जो हमारे खिलाफ जजमेंट आई है जिसमें मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, वो इस ग्राउंड पे किया गया, वो ग्राउंड उन्होंने बार बार लोगों को बताया, फिर उन्होंने जजमेंट के ऊपर भी बड़ी खुल के बात की है जो हमारा हक था। बयानिया जो मियां शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, खोखर साहब भी पार्टी के अंदर सब अपनी अपनी एक राय रखते हैं, लोग अपनी राय जरूर देते हैं पार्टियों के अंदर, कभी भी हमने लड़ाई की बात नहीं की। आपने याद किया कि जब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगी कि रहूंगा कि जब रजा रबानी साहब ने सबसे पहले कहा है कोयटा में जाकर कि इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होने चाहिए, मियां साहब ने उसी दिन वापस में तकरीर में कहा, जब उस वक्त फैसला आया हुआ था वो दो दिन हुए थे, मियां साहब ने कहा कि जो रजा रबानी साहब की तजवीज़ वो अच्छी है, हदारों को उस वक्त तो सिविल मिलिट्री तनाव बहुत ज्यादा था, तो आपने सिविल जुडिशरी तनाव जो है या गवर्नमेंट जुडिशरी तनाव बना, यही था कि इदारे बैठकर आपस में डायलॉग जरूर करें, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में हर एक की पावर है, डिफाइंड कर दी गई है कि जुडिशरी ने क्या करना है, एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है, ये सब कुछ जब आप जजेस को जब आप मिलाइन कर रहे हैं, जब जजेस को आप उनको उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो उसके बाद आप ये क्यों कह रहे हैं कि अब आइए ठीक है अब बात कर लेते हैं, यानी पहले आप अपना प्रेशर यूज करते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं अब बात करनी चाहिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम और जजेस बैठ के बात करें,
जजेस नहीं, अदारों के बीच, अदारों में, अदारे अदलिया भी आती है। मैंने कहा कि ट्राइकार्टी पावर में जिन जिन इंस्टीट्यूशन को आईन ने पावर दी है कि उन्होंने अपनी अपनी ये काम करनी है, उनको किसी वक्त भी बैठकर बात की जा सकती है, उसमें जुडिशरी भी आती है। अच्छा, कथा कलामी आप जुडिशरी को अगर हम ये कहें कि हम आपस में बैठ कर, और ये बहुत अच्छी बात है, और आज नहीं कल नहीं, दुनिया में ये हमारे मुल्क है, इसमें लोग एक दूसरे अदारे क्यों नहीं बात करेंगे, अदारे बैठेंगे सारे जिनसे आप बात कर सकते थे उनसे नहीं। एक साल बाद याद है, अगर ये बात में हम ये समझें कि आज हम ये कह रहे हैं, ये आज हम नहीं कह रहे, ये उस दिन से मियां साहब ने कहा था, जब दो दिन वो थे जजमेंट को आया जाए थी, अब शहबाज शरीफ साहब ने सर दो दिन आया, लेकिन दो दिन के बाद फिर जीटी रोड का भी तो क्यों निकाला आया, क्यों निकाला के अंदर पांच के नाम हमने 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 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे, हमारे जो लोग थे, जो हमारी पार्टी के वर्कर थे, जिनसे हमने वोटें ले गए, उनके पास हम गए और हमने लोगों को बताया, और लोगों ने इस बात को समझा कि हमारे खिलाफ ये जो एलिगेशन था, ये बार बार जो कहा जा रहा था कि करप्शन के ऊपर इनके खिलाफ तो ऐसा गलत था, कोर्ट गलत नहीं, फैसला नहीं, लेकिन अदलिया ने हमने बिल्कुल नहीं कहा फैसला नहीं कहा, फैसला आपने कहा सिर्फ बर्बाद फैसले के ऊपर हमारे वही पॉइंट जो हम रिव्यू में गए थे, वही पॉइंट हमने अब याद दिलाने के लिए मुझे बड़े क्लिप चलाने पड़ेंगे, वो मैं नहीं। एक और जो अहम चीज है वो ये कि जितनी सोफिस्टिकेटेड डिबेट करने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून इस वक्त, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारा इनको अपने दौरे हुकूमत के पहले साल में क्यों याद ना आया, और फिर दूसरे साल में क्यों याद ना आया, अच्छा सिविल मिलिट्री को ये ठीक कर सकते थे वो भी नहीं, तीसरे में क्यों याद ना आया, उसी वक्त याद क्यों आया, और अब क्यों ये जरूरी समझते हैं कि ये डिबेट होना चाहिए जब से इनके खिलाफ पनामा का फैसला आया और स्कैंडल आया, यानी उससे पहले तमाम ये चीजें इनके नईम साहब वैसे हर्ज किया है सर, नईम साहब जो अभी मुस्तफा ने कहा कि ये पहले याद नहीं आया, अब अचानक याद आया, अब अचानक अगर याद आ गया तो हर चीज के पीछे एक असल बात होती है, वही असल बात होती है, वो असल बात कुछ बताएं हमें, अगर आपके पास बुराई तो कोई नहीं है ना, कभी भी शुरू किया जा सकता है। इन मेरे ख्याल में इन मसाइल पर बहस करने का वक्त आम इंतखाबात के बाद नई कौमी असेंबली जब वजूद में आएगी उस वक्त होना चाहिए। इस वक्त जो कौमी सियासी मैदान है वो बड़ा एक शदीद इंतशार का शिकार है। मैं नहीं समझता कि मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें इस वक्त डायलॉग करने की पोजिशन में हैं इदारों के हवाले से, इसलिए मैं समझता हूं कि तमाम सियासी जमातें अपने अपने मंशूर को आगे लाएं, इंतखाबात में हिस्सा लें, और जब कौमी असेंबली वजूद में आ जाए और वो आइंदा पाँच साल के लिए होगी, वो बेहतरीन फोरम होगा ये तमाम जो एक गैर मामूली आउटस्टैंडिंग मसाइल हैं पाकिस्तान के सियासी, इक्तसादी या समाजी निज़ाम के, ये हल करने का। और अब ये वक्त आ गया है कि पूरी कौम संजीदगी से सोचे कि हमारे जो आइन में या हमारे निजाम में क्या कमजोरियां हैं, क्या वो कोताहियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। अच्छा, ये बात तो मियां साहब को तो ये बात समझ में आ गई, इमरान खान साहब को भी ये बात समझ में आ गई है क्या? ये तो और पीपल्स पार्टी भी को जी, आपको भी समझ में आई हुई है, हमारी तो बहुत ज्यादा अरसे से इसमें कोई शक नहीं। 62-63 आप देख लीजिए, मैं समझता हूँ सारी जमातों को इस बात का एहसास है, सब जमातें इस बात को महसूस करती हैं कि हमारे निजाम में जो कमजोरियां हैं